नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर हम प्रोडक्ट स्टोरी की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं मैं, हाउ टू डील विद सप्लायर, यानी सप्लायर से हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सप्लायर को, अच्छे सप्लायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो मिनिमम प्राइस पे हमें ऑप्टिमाइज रेट पे मटेरियल देगा, ऐसा कौन सा सप्लायर है जो कि टाइम पे सामान देगा, अच्छे टाइम पे सामान देगा, यानी वो टाइमिंग का ध्यान रखेगा, यानी उसका जीएसटी है कि नहीं है, उसको हम कहां से सर्च कर सकते हैं और उसमें क्या उससे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी उसका कैसा होगा, उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है, या फिर वो जेन्युइन बायर है कि नहीं है। बात तो बड़ी बड़ी लोग करते हैं लेकिन उसके पास एक्चुअल में है कि नहीं है प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट उसका है। तो यही सब क्वेश्चन का हम आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि सप्लायर बाय बी टू बी वेबसाइट, यानी बी टू बी वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर B2B वेबसाइट वाला मेरा आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर जाके देख लीजिए, वो डिटेल में B2B वेबसाइट के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, आपके लिए बनाया हुआ है मेहनत करके दोस्तों, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सप्लायर आपको B2B वेबसाइट पे मिल जाएगा, अच्छे सप्लायर आपको वहां पे मिलेंगे, लेकिन यह कि अच्छे सप्लायर फाइंड करना एक ईजी टास्क नहीं है। बायर तो आपको मिल जाएगा लेकिन सप्लायर आपको जेन्युइन सप्लायर चाहिए, तो आपको उनके साथ में अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड करना रहेगा उनका, और उनको विश्वास दिलाना होगा कि हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छी वैल्यू पे आपका एक्सपोर्ट आपका प्रोडक्ट लेंगे। तो आप सप्लायर को फाइंड आउट कीजिए, B2B वेबसाइट से फाइंड आउट कीजिए या रेफरेंस से फाइंड आउट कीजिए कि कोई भी आपका रेफरेंस। देखो इंडिया में अगर बात करें इंडियन मार्केट की, तो यहां पर रेफरेंस वाला ज्यादा काम चलता है, यानी माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, माउथ पब्लिसिटी की हां मैं इमिटेशन ज्वेलरी में काम कर रहा हूं। तो देखिए दिल्ली में वो एक फ्रेंड है, वो इमिटेशन ज्वेलरी में काम कर रहा है, वो अच्छा सप्लाई करता है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये जिसे माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, तो ये रेफरेंस वाला काम इंडिया में ज्यादा होता है, तो आप रेफरेंस से अपने फ्रेंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स का भी इसमें सपोर्ट ले सकते हैं, वहां से भी आप पता कर सकते हैं कि ये वाला सप्लायर कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, तो यहां से भी आप उसका जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गूगल वेबसाइट सर्च, यानी गूगल वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं, यानी एक ही क्वेरी आप डालेंगे कि इमिटेशन ज्वेलरी, या फिर कोई आप मैंगो का आप ले लीजिए, या कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट का आप सप्लायर गूगल पे अगर ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो आपको लिस्ट ऑफ क्वेरीज आ जाएंगी, आपको वहां पता चल जाएगा, वहां पे उनका मोबाइल नंबर, जो फोन नंबर रहता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, उनका वेबसाइट वगैरह, ऑनलाइन अगर अवेलेबिलिटी उनका है तो अवेलेबिलिटी उनका वो उससे भी पता चल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट आता है कि सोशल नेटवर्किंग, यानी सोशल नेटवर्किंग से भी आप अपना जो सप्लायर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी जो सोशल नेटवर्किंग है उनसे भी आप अपना बायर अपने जो सप्लायर है सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं आपके खुद की कंट्री में। लोकल एग्जीबिशन में जा सकते हैं, लोकल एग्जीबिशन जैसे एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं, ऐसे ही लोकल एग्जीबिशन भी होता है, उसके भी आप पार्ट बन सकते हैं। उसमें नॉर्मली 100% जेन्युइन सप्लायर होते हैं, यानी कुछ लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि सर कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या मार्केट में जिसमें मैं फोकस कर सकता हूं, यानी जिसमें कंपटीशन कम हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। तो ये जो एग्जीबिशन होते हैं, फेयर ट्रेड होते हैं, ये कंपनीज के जो नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, नया उनका कुछ मार्केट में प्रोडक्ट आया है, तो उसको भी लेके जाते हैं, तो यहां पर आप नए प्रोडक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, वो भी आपको यहां से मिल सकता है, तो इसमें आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, यहां पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है एसोसिएशन ऑफ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन रहते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन हो गया, या फिर राइस मिल के एसोसिएशन हो गया, या फूड एंड वेजिटेबल्स के एसोसिएशन हो गया, या कॉटन एसोसिएशन हो गया, ये सब एसोसिएशन इंडिया में बने हुए हैं, तो इनसे भी आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसमें क्या आपस में कंपटीटर रहता है, वहां पे आपको बहुत सारे सप्लायर्स का कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी, डिक्शनरी मतलब डायरेक्टरी जो रहती है, डायरेक्टरी कांटेक्ट की वहां पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप उनका सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि फैक्ट्री विजिट, डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट, यानी डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द सप्लायर, यानी सप्लायर के साथ में जब आप डील करते हैं, तो देखिए हमारा वीडियो किसका है कि डील, हाउ टू डील विद सप्लायर, सप्लायर से हम कैसे कैसे बात करनी है, कैसे कैसे सप्लायर को फाइंड आउट करना है, और कैसे कैसे हम बाद में आगे उससे चेकिंग करनी है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो फैक्ट्री विजिट अगर आप उसकी डायरेक्ट करते हैं, उसका जैसे आपका मोबाइल नंबर मिल गया, एड्रेस मिल गया, तो उससे आप फोन से बात कीजिए कि हम ये एक्सपोर्ट करते हैं और ये हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए, और वी फाइंड योर कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम योर वेबसाइट थ्रू नेट चेक,
तो उस हिसाब से आप उनको बता सकते हैं और उनसे टाइम लेके आप उनके पास में जा सकते हैं, या फिर अपने किसी ऑफिसर को जो आपका कोई एम्प्लॉय है उसको आप भेज सकते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट के लिए। उसमें बेस्ट मार्केट का मेथड है ये जो फाइंड आउट करने का, तो उसमें आपका बेस्ट ट्रस्ट बीट होगा, यानी जो आपका सप्लायर और आपके बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो वैसे ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है, लेकिन कोई भी बिजनेस है वो ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है। ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो आपको उसका जो फैक्ट्री आप विजिट करते हैं, पर्सनली आप उससे हैंडशेक करते हैं, उससे मिलते हैं। अभी कोरोना का टाइम है तो हैंडशेक तो मत कीजिए, लेकिन आप उसके पर्सनली मीट कर सकते हैं। पर्सनली जब आप उसको मीट करेंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट आता है जब आप उसके ऑफिस पे जाएंगे तो आपका जीएसटी, अगर वो जेन्युइन सप्लायर है आपका, तो जीएसटी नंबर उसके गेट पे वहां रहेगा। यानी ये गवर्नमेंट का रूल है, एज पर इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी मस्ट बी एट ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री के ऑफिस है वहां पर जीएसटी, उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां पे उसका डिस्प्ले में जरूर रहना चाहिए। अगर जीएसटी उसका वहां पर डिस्प्ले में है तो आप उस पर 50% भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये जेन्युइन सप्लायर होगा। नेक्स्ट आता है कि सर्टिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सप्लायर, यानी जो सप्लायर है उसके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है उसके पास में, क्या क्या उसके पास में सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है या फसाई का सर्टिफिकेशन है, या फिर वो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा है तो फार्मास्यूटिकल के जो लाइसेंसेज है वो लाइसेंस उसके पास में है, या फिर ISO सर्टिफिकेट उसके पास में है, क्वालिटी वाला सर्टिफिकेट उसके पास में, एनर्जी कंजम्पशन वाला उसके पास सर्टिफिकेट है क्या। तो अगर ISO वाला मेरा वीडियो आपने नहीं देखा तो वो डिटेल में बना रखा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आप उसके सर्टिफिकेट्स चेक कर सकते हैं, तो इसे पता लगेगा कि वो कितना पुराना है, कि कब से वो सप्लाइंग कर रहा है, कब से वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसने लगा रखी है। तो इससे जेन्युइनिटी भी चेक होती है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी अगर हम देखिए हमें क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो हमें क्या प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करना है, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो जो भी हमारा सप्लायर है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें जरूर चेक करनी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस नहीं करेंगे तो आप बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में मत आइए, फिर क्वालिटी अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आगे आपको ऑर्डर आने में भी दिक्कत होगी, फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो क्वालिटी, जब भी आप क्वालिटी चेक करते हैं सप्लायर का, तो आप उसको सैंपल के लिए जरूर बोलिए कि सैंपल हमें चाहिए। सैंपल आप उसका अपने घर पे भी मंगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री पे या अपने जो आपका ऑफिस है आपके ऑफिस पे आप प्रोडक्ट का सैंपल मंगा सकते हैं, और उसके क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी उसके साथ में बोलिए उनको देने के लिए, वो आपको उसके क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आपको देंगे, भेजेंगे आपको। नेक्स्ट आता है कि जब आपका क्वालिटी उसका चेक हो जाता है, आप उससे सेटिस्फाई हैं, यानी आपका अगर उसके फोटोग्राफ्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने बायर को भी कर सकते हैं, तो जब आपका बायर भी ओके बोलते हैं तो उसके बाद फिर आपको एग्रीमेंट करना है अपने सप्लायर के साथ में, यानी आप उसको जो एग्रीमेंट रहता है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, या फिर आप उसको MOU भी कर सकते हैं। उसका ये एग्रीमेंट रहेगा कि जो मेरा बायर है, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर तक उस पर्टिकुलर बायर को आप गुड्स को नहीं बेचेंगे, यानी उसके साथ में ट्रेड नहीं करेंगे, और हमारे लिए भी कंडीशन रही कि जो भी हम पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में काम करेंगे तो हम 10% या 20% जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो आपसे ही गुड्स लेंगे। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो क्या, देखिए इंडिया में लोग क्या रहते हैं, थोड़ा सा चालाक है, थोड़ा आगे आपने आपको स्मार्ट समझते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, अगर आपने बिल्कुल आप सीधे साधे भोले भाले हैं तो आप अपना बायर गंवा बैठेंगे यहां पर। मतलब आप जो आप बीच में मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो जो सप्लायर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट आपके बायर से कांटेक्ट कर लेगा, और अपने आपके बायर को वो अपना बायर बना लेगा, और आपके बायर को वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देगा। क्योंकि कोई भी बायर, अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मेरा यही रहता है कि मैं किसी भी सप्लायर से लूं तो वो मुझे नॉर्मल प्राइस पे मिले, यानी जो मेरा टारगेट प्राइस है टारगेट प्राइस से मुझे कम प्राइस में कोई मिले सेम क्वालिटी, तो मैं उसके साथ में ही डील करना पसंद करूंगा। तो ऐसे ही आपको यहां पर MOU साइन कराना या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना। देखिए यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में, इंडिया की अगर बात करूं तो हम डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा पीछे रहते हैं, हम एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट में और आगे बढ़ने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट आता है पेमेंट टर्म, जब आप उसके एग्रीमेंट ऑफिस से हो जाता है तो आप उसमें पेमेंट टर्म की बात कीजिए कि आपका पेमेंट टर्म क्या है,
आपको देखिए 100% एडवांस के लिए आप उसको कभी भी मत बोलिए, क्योंकि 100% एडवांस आप उसको दे दिए तो इंडियन सप्लायर्स की मैं बात करूं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूं कि वो टाइम पे गुड्स देते नहीं है, या फिर वो बाद में आपको बहुत रुलाते हैं, आपको टाइम पे नहीं देंगे, सो बहाने मारेंगे, ये हो गया था सर, वो हो गया था, बारिश आ गया, यहां गाड़ी खराब हो गया, ये नहीं हो गया, इन ट्रांजिट में है, आपके घर पहुंचने वाला है, आपके ऑफिस में पहुंचने वाला, तो 10 तरीके के यहां पे एक्सक्यूजेज आपको मिलेंगे। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप उनको जो पेमेंट टर्म है वो आप एग्री करते हैं, तो 20% 30% एडवांस रिमेनिंग आफ्टर रीचिंग प्रोडक्ट एट योर होम, या फिर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 60 डेज, जिस हिसाब से भी आप पेमेंट टर्म में उनको रोक के रख सकते हैं, आप उसको रोक के रखिए ताकि वो क्वालिटी मेंटेन कर सके और टाइमिंग मेंटेन कर सके। हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो सप्लायर है उनका यहाँ पे लिमिटेशन यही रहता है कि वो प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल वे में डेडिकेशन के साथ में, आप डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यूस अगर काम करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपके लिए है, अदरवाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मत आइए। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना व्यर्थ रहेगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम एनर्जी भी वेस्ट होगी। आपको डिसिप्लिन में रह के एक कंटिन्यूस एफर्ट लगाना रहेगा। अगर कंटिन्यूस एफर्ट आप डिसिप्लिन में रह के अगर लगाते हैं तो कंसिस्टेंस इज द रिजल्ट, मतलब आपका जो सक्सेसफुल है इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे तो ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, इवन बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ सप्लाई, यानी जो आपका सप्लायर है उसमें उतना कैपेसिटी है कि नहीं, वो सप्लाई कर सकता है कि नहीं, टाइम पे उतना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो भी आप उसका चेक कर लीजिए। अगर वो सप्लाई नहीं दे पाता है तो आप 3, 4, 5, 10 लोगों से ऐसे बात करके जो आपके सप्लायर है, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि मैंने वर्क ऑर्डर ले लिया, यानी मैंने जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर 10 लाख का एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले लिया और मुझे टारगेट दिया है, जैसे अभी दिसंबर महीना है तो मुझे जनवरी 30 तक का टाइम दिया गया, यानी 15 जनवरी तक का फॉर एग्जांपल मुझे टाइम दिया, मैंने अपने बायर को ये बोला कि 15 ऑफ जनवरी तक मैं FOB कर दूंगा, तो अगर मैं नहीं कर पाया तो वहां पर क्या ट्रस्ट बीट नहीं हो पाता, वहां पर ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाता, तो उसके बाद फिर आपका जो बायर है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा और ये वाला कंसाइनमेंट उसके पास चला जाएगा, ये वाला एक्सपोर्ट का आपका कंटेनर उसके पास चला जाएगा, आगे से वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर आपको अपना या तो प्राइस कम करना पड़ेगा या उसको बार बार कन्विंस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप टाइम मेंटेन करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन अपनी सब फुलफिल करते हैं तो आपसे आपका बायर हैप्पी होगा और वो खुश होकर आपको बार बार रिपीट ऑर्डर देगा। दोस्तों तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर गिविंग द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, मेरी मदद कीजिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने में। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।